पंजाब भर के तमाम तालीमी बोर्ड ने इंटरमीडिएट के इम्तहान का ऐलान कर दिया है और तलबा बड़े ज़ोर शोर से इम्तहान की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा पंजाब यूनिवर्सिटी के ज़ेर इंतज़ाम BA/BSc के इम्तहान भी जारी हैं। इम्तहान के दौरान तलबा व तालबात मुकम्मल यकसुई के साथ अपनी पढ़ाई की तरफ मुतवज्जा होते हैं, मगर बिजली की गैर ऐलानियाँ और बे इंतहा लोड शेडिंग तलबा व तालबात को मुकम्मल यकसुई से इम्तहान की तैयारी करने में रुकावट डाल रही है। लोड शेडिंग की वजह से कमरा इम्तहान में गर्मी तलबा को परेशान करती है और दूसरी तरफ घर में वो इम्तहान की तैयारी करते हुए भी मुतद बार अचानक बिजली के गैर ऐलानिया तौतल से मुतासर होते हैं। इस हवाले से तलबा व तालबात का कहना था कि हुक्मरान नई नस्ल की तलीम तरबियत का बहुत रोना रोते हैं, मगर वो पढ़ने के लिए मौके मुयसर नहीं कर रहे। तो आई डोंट नो कि इन लोगों का तो कुछ नहीं बनेगा, हम लोगों का फ्यूचर तबाह हो रहा है। इन लोगों के पास तो मुल्क को लूट खसूट करके सारा पैसा ये लोग अपने बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर कर रहे हैं और वादे करते जा रहे हैं, तो कुछ आइडिया नहीं है कि लाइट का। मैंने समझता कि ये इंसानियत है, देखिए वो बच्चों के पेपर है, मेरा पेपर है, कुछ अदर स्टूडेंट्स हैं जिनके पेपर हैं, वो पेपर कैसे देंगे? सारा साल की उनकी मेहनत है जो कि इस लाइट की वजह से इस वक्त तबाह हो रही है। लाहौर में इस वक्त लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे से बढ़ चुका है, जबकि नवाही इलाकों में इससे भी ज़्यादा लोड शेडिंग होती है। मैं अब बैठा तैयारी कर रहा था तो एकदम से लाइट चली गई। जब से पेपर शुरू हुए हैं लाइट वालों को तो हमारे साथ कोई ऐसा है कि जैसे कोई दुश्मनी है। कोई पेपर हमारा ठीक नहीं हुआ सिर्फ लाइट की वजह से। सारा सारा दिन लाइट जाती है, सारी सारी रात लाइट जाती है, जब भी बैठते हैं लाइट चली जाती है। नवीद कमर साहब ने कल कहा कि हमारे मुल्क में कोई बहरान नहीं है, मगर यहाँ पे तो ये बहरान के अलावा कोई काम ही नज़र ही नहीं आ रहा। 3 घंटे से हम लाइट का वेट कर रहे हैं, सुबह BA का पेपर है, तो यहाँ पे तो ऐसे ही नहीं चलेगा। सिर्फ माहरीन का कहना है कि इम्तहानात के दिनों में तलबा को बहुत सी ज़हनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और हुकूमत को चाहिए कि इम्तहानात के दिनों में लोड शेडिंग का दौरानिया कम करके तलबा व तालबात को इम्तहानात की तैयारी करने के लिए पुरसकून माहौल फराहम करे और कमरा इम्तहान में भी लोड शेडिंग का कुछ सदोबाब होना चाहिए। पाकिस्तान का इम्तहानी सिस्टम एक दिन की याददाश्त पर मबनी है। अगर क्रिकेट सेमीफाइनल के लिए लाइट नहीं जा सकती तो स्टूडेंट्स के इन फाइनल के लिए भी हुकूमत को लोड शेडिंग का सदोबाब करना चाहिए। कैमरा मैन मोहम्मद इफ्तिखार के साथ मैं हूं मोहम्मद आबिद अय्यूब, इलम की दुनिया.com।